हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31 में और ओप्पो F11 प्रो में और जानेंगे दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा है। तो हम फटाफट बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो सैमसंग में है 6.4 इंच की रेजोल्यूशन है 1080x3340 पिक्सल का और इसमें सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है। बात करें ओप्पो के डिस्प्ले की तो इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है 1080x3340 पिक्सल का और इसमें TFT आईपीएस LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। और आपको कलरफुल डिस्प्ले आप सैमसंग के साथ जा सकते हो और आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए आप ओप्पो के साथ जा सकते हो। बात करें रैम की तो सैमसंग में है 4 GB और 6 GB की और ओप्पो में है 6 GB की। बात करें मेमोरी की तो दोनों फोन में सेम है, 64 GB 128 GB की है। बात करें प्रोसेसर की तो सैमसंग का है एक्सिनोस का 9611, सीपीयू है 2.3 GHz ऑक्टाकोर का और इसमें 10 nm का फिनफैट और इसका जीपीयू है 72 MP3 का। बात करें ओप्पो का प्रोसेसर की तो इसमें MediaTek P70 का प्रोसेसर दिया हुआ है, सीपीयू है 2.1 GHz ऑक्टाकोर का और इसमें 12 nm का फिनफैट और इसका जीपीयू है 72 MP3 का। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सैमसंग का है एंड्रॉयड 10 Pie का और ओप्पो का है एंड्रॉयड 9.0 Pie का। बात करें बैक कैमरा की, सैमसंग का क्वाड में है 14 MP प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 MP का है, ओप्पो का बैक कैमरा डूल है 48 प्लस 5 MP का। बात करें फ्रंट कैमरा की तो सैमसंग का है 32 MP का और ओप्पो का है 16 MP का। आपको फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही सैमसंग में बढ़िया देखने को मिलेंगे और पीछे की क्वालिटी भी सैमसंग में अच्छी देखने को मिलेंगी। बात करें बैटरी की तो सैमसंग में है 6000 mAh की बैटरी, ओप्पो में है 4000 mAh की बैटरी। दोनों फोनों में बैटरी टाइप नॉनेबल है, दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बैटरी के मामले में सैमसंग का फोन आगे निकल जाता है। बात करें चार्जिंग की, सैमसंग में 15 वाट का चार्जर, ओप्पो में है 20 वाट का चार्जर। दोनों फोनों में टाइप सी का सपोर्ट ही और दोनों में ही 3.5 जैक दिया हुआ है। बात करें सिम की, सैमसंग में आप 2 SIM 7 SD कार्ड डाल सकते हो लेकिन ओप्पो में आप 1 SIM या दूसरी सिम एस टी कार्ड डाल सकते हो, टिपिकल ऑप्शन नहीं है। और कनेक्टिविटी दोनों में 3G 4G की है और वारंटी सिम है 1 साल की। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, LED फ्लैश लाइट दोनों फोनों में दी हुई है। बात करें कंक्लूजन की तो सैमसंग में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 64 MP क्वाड कैमरा है, 32 MP का फ्रंट कैमरा है, ट्रिपल सिम का ऑप्शन मिलता है। ओप्पो में आपको 16 MP का पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 5 है। बात करें प्राइस की, सैमसंग का एक्सपेक्टेड जो प्राइस है 14,999 रुपये है। ये 25 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा, तो इसका प्राइस की अपडेट मैं आपको कॉमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओप्पो का प्राइस है 6 GB और 64 GB का 15,990 रुपये और 6 GB 128 GB का प्राइस है 16,999 रुपये। अगर आप दोनों फोन से कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हो। ये ओप्पो से बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि ओप्पो का फ़ोन भी घटिया है, ये भी अपने स्थान पर बढ़िया है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है, सैमसंग या ओप्पो। कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा फ़ोन खरीदना चाहोगे, सैमसंग का या ओप्पो का। क्या आप सैमसंग का फ़ोन का वेट कर रहे हैं?